अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रैनास वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर से, ये कुछ एक बजे का टाइम है और मैं बना रही थी परवर की भुर्जी भाजी यानी। तो इसको मैंने बारीक बारीक काट के ऐसा कुक कर रही थी, तो मैंने बस मुझे समझ में नहीं आया क्या शूट करूँ, मैंने उठा लिया कैमरा और शूट करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि व्लॉग में बहुत ज़्यादा टाइम गैप चला जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आता, तबीयत भी थोड़ी नहीं सही थी। ये हमारी भाजी है जो अभी मैं रेडी करूँगी स्लो फ्लेम पे। इसको जो बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा तेल डाल के इसको और ये परवल और आलू बारीक काट के प्याज डाल करके बस डाल दिया मैंने और ये स्लो फ्लेम पे धीरे धीरे कुक हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसको कुक कर रही थी और बस मैंने आपको बोला ना, तबीयत की थोड़ी ख़राबी की वजह से वीडियो थोड़ा लेट हो रहा था अब, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि कंटिन्यू वीडियो डालूँ। तो अब ये यहाँ पे मैंने ये इधर भाजी हो गई और मैं इधर अब बना कर रही थी, साथ साथ में मैंने ये मेहंदी भिगाई हुई थी नदीम के लिए, उनके हेयर्स में लगाने के लिए। तो बस मैं उसको अब नदीम को लगाऊँगी क्योंकि वो उनको मैं लगाती रहती हूँ घर पर ही, मैं उनको मेहंदी लगा देती हूँ। तो ये मैंने उसको भिगाया, उसको भी लगाऊँगी। इमान क्या हुआ, रोना क्यों आ रहा है? नहीं जानी, पेट दुख रहा है। नाटक शुरू, उठ जल्दी उठो। अरे पेट दुख रहा, सेम पेट दुख रहा, बाजू में ही घर है, आ जाना, चलो उठो उठो जल्दी उठो। शाम के 5 बज गए हैं और इमाद का आज फर्स्ट डे था ट्यूशन के लिए, तो उसको मैं रेडी कर रही थी और उसकी शरारतें शुरू थी। जाना तो पड़ेगा, बोलो। कॉलेज जा रहा, चलो बोलो। मैं जा रहा हूँ ट्यूशन पढ़ने। चलो बाय बोलो। बाय। कितने बजे आना है मुझे? 7। 7 बजे मिलना। कैसा लग रहा है आज जाते हुए? गंदा लग रहा है। गंदा लग रहा है? गंदा ही लगेगा ना बेटा पढ़ने के नाम पे। खेलने के नाम पे गंदा नहीं लगता। और पढ़ने के नाम पे गंदा। इमाद घर पे नहीं है तो कैसा लग रहा है? अरे सन्नाटा लग रहा, बंदर नहीं है तो अच्छा लगेगा बात करने में? अच्छा नहीं, अच्छा लगेगा घर में? जी लगा, हो सकता हो आपको अच्छा लगता हो, एकदम घर में सन्नाटा लग रहा है ना। आ गया था इमाद को, मैं ट्यूशन छोड़ दी थी, बाजू में ही वो ट्यूशन जाता है। उसके बाद हम एकदम खाली लग ही नहीं रहा था, घर में कोई है ही है। मैं नदीम से पूछ रही थी क्या कर रहे हैं। माँ आ गए? हाँ। क्या पढ़े? कुछ नहीं पढ़ा। कुछ नहीं पढ़े, खेल रहे थे यानी? हाँ नहीं। फिर क्या पढ़े बता जल्दी से। मम्मा। क्या डिस्टर्ब नहीं करूँ? गुस्सा आ रही है, पढ़ के आए हो तो? हाँ। अच्छा, भूख लगी है? हाँ? हाँ। ओ, क्या खाना है? साढ़े 10 हो गए थे और हम डिनर वगैरह करके फारिग हो गए थे। क्या कर रहे हो बोलो? देखने दो। तुमको देखने दो। जी छोड़िए, इमाद को मैं डिस्टर्ब कर रही थी तो वो गुस्सा कर रहा था, मुझे बकबक कर रहा था। तो मैं किचन में आ गई क्योंकि मैं सोची मेरे घर में ना कॉकरोच बहुत हो रहे थे, तो मैं उसकी दवा बना रही थी। तो मैं सोची आप लोग को भी वो चीज़ दिखा दूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत हम सबको बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो यहाँ पर मेरे पास है दूध का पैकेट जो 10 रुपये वाला आता है, आप देख सकते हैं 10 रुपये का ये पैकेट रहता है एवरी डे का, आप मेडिकल से ले सकते हैं। और ये बोरिक एसिड है, ये इसकी भी प्राइस कुछ ज़्यादा नहीं है, आप इसको एक ले लीजिए। ये देखिए मैं प्राइस भी दिखा रही हूँ, 39। ये मैंने मेडिकल पे से दोनों मंगाया हुआ है, तो ये दोनों हमको लगने वाला है। और उसके बाद है मेरे पास थोड़ा सा आटा है
वो मैंने क्वांटिटी के हिसाब से मिलाऊंगी, और थोड़ी सी शुगर है। इतनी चीज़ हमको लगेगी जो हम काकरोच के लिए दवा बनाने वाले हैं, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं बहुत ज़्यादा काकरोच से परेशान थी, तो मैंने ये मुझे मेरी जो आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा नदीम की बहन सोनी अप्पी, उन्होंने बताया, तो मैं सोची मैं भी इसको ट्राई करती हूँ। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने इसको बनाया और लगाया, अल्हम्दुलिल्लाह काकरोच बहुत हद तक ख़त्म हो गए हैं। यानी अगर आपको आपने लगाया, अगर फिर भी आपको लगता है कि अभी भी काकरोच है, हफ्ते 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद आपको अगर लगे, तो आप फिर से इसको रिपीट कर सकते हैं। वैसे इंशाल्लाह मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा काकरोच थे, मैं एकदम परेशान हो गई थी, लेकिन मैंने इसको बना के जब से लगा दिया है तब से अल्हम्दुलिल्लाह काकरोच गायब हो गए हैं। तो यहाँ पे आपने देखा मैंने वो जो हमारे दूध का पाउडर था उसको रेक ले लिया। आप ऐसा बर्तन लीजिएगा जिसमें आप इसको कुक कर सकें, क्योंकि हमको इसको कुक करना है, तो इस वजह से आप ऐसा बर्तन लीजिएगा जिसमें कुक कर सकें, उसमें ही मिलाइए। उसके बाद मैंने एक पैकेट वो लिया, एक पैकेट ये पूरी मैंने इसमें डाल दी बोरिक एसिड की, और मैं इसमें ऐड करूँगी अब शक्कर। शक्कर मैंने 1 टेबल स्पून के करीब लिया हुआ था, वो क्वांटिटी शक्कर की क्वांटिटी थोड़ी ही रहती है। और उसके बाद ये मैंने आटा डाल लिया है 1-2.5, हाँ इतना मैंने आटा लिया, और ये नॉर्मल आटा जो हम जिसकी रोटी बनाते हैं बस वही है। अब हम इसको पानी या दूध पहले अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ये मिक्स कर लीजिए जैसे कि सब चीज़ आपस में मिल जाए। उसके बाद हमें इसको पानी या दूध, आप दूध डालना चाहे आप दूध भी डाल सकते हैं, पानी डालना चाहे पानी, मैंने पानी ही डाल के इसको मिक्स किया अच्छे से, क्योंकि दूध हमने डाला भी था तो इसी वजह से मैंने पानी ही डाल के इसको मिक्स कर लिया अच्छे से, पेस्ट बना लिया हल्का पतला, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं ना बहुत ज़्यादा पतला, इतना कि हाँ ये अच्छे से मिल जाए, क्योंकि अभी हम इसको पकाएंगे गैस पे रख के, तो जब हम कुक करेंगे तो ये फटीफट से गाढ़ा होने लगता है, क्योंकि इसमें पाउडर वगैरह है, आटा है, तो वो जल्दी ही गट हो जाता है एकदम से। तो हमको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप इसको बना के अपने घरों में जहाँ भी काकरोच ज़्यादा है वहाँ ऐसा अच्छे से लेप लगा दीजिए, प्लास्टर की तरह। जब लगाएंगे ना तो वो अजीब सा गंदा गंदा दिखता है, मेरे भी लगाई ना, मैं बोले अलग कैसा दिख रहा है, लेकिन 1-2 दिन के बाद वो ड्राई हो गया और फिर वो उतना पता भी नहीं चलता था, लेकिन उसको मैंने छोड़ दिया। वैसे मैंने अपने इसको अपने कबट में, अपने वो प्लेटफॉर्म पे, हर जगह आप प्लास्टर की तरह भर दीजिए, जहाँ भी आपको लगे काकरोच है, बाथरूम में कहीं भी आपको काकरोच जहाँ भी है आप इसको लगा दीजिए। अब हम इसको पकाएंगे, हाँ इसको स्लो फ्लेम पे मैंने पकाया, हाई फ्लेम नहीं किया, ये मैं एक हाथ से शूट कर रही थी और एक हाथ से बना रही थी, इस वजह से थोड़ा सा मुझसे कम अच्छे से शूट हो पाया, क्योंकि रात का टाइम था, मैंने ट्राईपॉड लगाने में मुझे बहुत लेज़ी फील हो रहा था इसी वजह से। बस आप लोग आई होप समझ गए होंगे इसको क्या करना है, कैसे करना है, बस इसको अब हमें पकाना है, और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तो इसको रख दीजिए, ठंडा हो जाए, गरम गरम मत लगाइए वरना आपके हाथ जल जाएंगे, ठंडा हो जाए हल्का, तो अपना हर जगह जहाँ भी आपको काकरोच हैं आपके वहाँ पे पेस्ट की तरह, जैसे प्लास्टर की तरह भर दीजिए, दरारों में भर दीजिए और कबट वगैरह में लगा दीजिए, चिटका दीजिए हर जगह, और उसको छोड़ दीजिए, भूल जाइए। और ये भी ध्यान मत दीजिएगा, अरे गए नहीं ऐसा मत ध्यान दीजिएगा, उसको एकदम से भूल जाइएगा लगा के, और तो इंशाल्लाह कुछ दिनों में आप देखेंगे काकरोच गायब हो जाएंगे, ना मरे हुए दिखेंगे, कुछ नहीं दिखेगा। तो ये देखिए, बस मैंने अब यहाँ फ्लेम बंद कर दिया, इसको ठंडा करके मैं इसको हर लगा लूँगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। तो बस यहीं पे मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया, प्लस पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।